ये दोनों तो सच में चली गई। घबराओ नहीं देवी, उनके स्थान पर तुम्हारा ये सेवक है ना। कहो कहो क्या करूं तुम्हारे लिए? भीगे कमल के पत्ते से तुम्हें हवा करूं ताकि नन्ही नन्ही बूंदे संताप दूर करे तुम्हारा, या लाल कमल से तुम्हारे इन दोनों पैरों को दबाऊं धीरे धीरे और दिलाऊं तनिक सुख तुम्हें? एक सम्माननीय व्यक्ति से ऐसा काम करवाने की अपराधी नहीं, मैं नहीं बन सकती। नहीं, अभी दिन ढला नहीं और ऐसी दशा तुम्हारे शरीर में। जब हम थे इतने करीब, उसने देखा मुझको ऐसे जैसे देखा न हो। छोड़ दीजिए मुझे, मैं स्वतंत्र नहीं। आज तक ना जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई दंश चाहा, कांप कर हल्के हल्के मानो मुझ प्यासे को दे रहे रसपान की अनुभूति। Oh,
स्वीकृति दे दे। ये तू कैसे कहती है? क्योंकि बड़ों का पहला प्रयास यही होता है कि कन्या किसी अनुरूप वर को सौंपी जाए। यदि यही कार्य भाग्य से संपन्न हो जाए तो वे स्वयं को कृतार्थ मानेंगे। तू ठीक कहती है, इतने फूल पर्याप्त होंगे? शकुंतला को भी तो उसके सौभाग्य देवता की आराधना करनी होगी। थोड़े और चुन लेते हैं। अरे क्या, वो चला गया। Yeah.
प्रसन्न तो है ही नहीं महाभारत। नहीं है तो क्या नहीं हो सकता? नहीं हो तो सकता है ही, परंतु अंततः हुई तो कल्पना। कल्पना या सोची समझी योजना? मतलब? मतलब कालिदास थे राज कवि। हाँ। तो राजा के चरित्र की रक्षा तो करनी थी। बिल्कुल। अब यदि राजा अकारण ही अपनी वाणी से मुकर जाए तो चरित्र हनन होगा ना। अच्छा आप समझे इस कालिदास को। अरे समझते रहना बाद में, पहले वहाँ चलो, कथा आगे बढ़ चुकी है, शकुंतला को सजाया जा रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चल। की बात है कि यज्ञ का धुआं आंखों में पड़ने पर भी यजमान की आहुति आग में ही गिरी। मैं आज ही कुछ तपस्वियों के साथ तुझे तेरे पति के घर भेज दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शकुंतला आज ही जा रही है, ये सुनकर हर्ष के साथ साथ शोक भी हो रहा है। हम अपना शोक कैसे भी कम कर लेंगी, कम से कम अब उस बेचारी की चिंता तो समाप्त होगी। तू ठीक कहती है। देख इस आम की डाली पर लटकी हुई नारियल की पिटारी में इसी दिन के लिए मैंने नाग केसर का परागण छोड़ा था। एक काम कर, तू इसे कमलिनी के पत्ते पे रख, तब तक मैं गुरुचन, तीर्थों की मिट्टी, धूप के कोमल पत्ते आदि मंगल सामग्री तैयार करती हूँ। ठीक है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। जा बेटी, जा जाकर के देवी शक्ति की अधिकारिणी बनना। जा जाकर अपने पति को मान और सुख देना। तेरे कोख से वीर पुत्र जन्म ले। आओ सखी, आओ इधर बैठो। ऐसे शुभ अवसर पर रोना ठीक नहीं। आओ मेरे पुत्री चले जाएगी, यह विचार ही मुझे व्याकुल हो रहा है। पुत्री नेत्रों में आनंद रूपी अश्रु लिए तुम्हारे पिता तुल्य गुरु इधर ही आ रहे हैं। उठो, उठकर उनका आशीर्वाद लो। बेटे इधर आओ, यहाँ अभी अभी हवन हुआ है। इस अग्नि की प्रदक्षिणा कर लो। पुत्री ये केवल पिता द्वारा दिया गया आशीर्वाद पर ही नहीं,
एक वरदान है। पति पत्नी के घर जाकर बड़ों की सेवा कर, राजा की अन्य पत्नियों को अपने मित्र मान। पत्नी कभी यदि क्रोध में कुछ कह दे तो भी तुम शांत बनी रहना, सेवकों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, उपभोग की वस्तुओं के लिए आसक्ति ना दिखाना। ऐसे ही गुणों वाले स्त्री अच्छी गृहिणी कहलाती है। डॉक्टर वे, इस विषय में तुम्हारा मत क्या है? कुलवधुओं के लिए तो यही श्रेष्ठ उपदेश है, इसे तुम मन में धारण कर लो बेटी, कभी भी भूलना मत। तात, क्या मैं फिर कभी आश्रम लौट आ पाऊंगी? बेटे, बहुत दिनों के बाद, अभी जाओ और अपने पत्नी करते प्यार का निर्वाह करो, दुष्यंत के अजय पुत्र की माँ बनो, और जब वो राजा अपना कायर भार उस योग पुत्र को सौंप कर मुक्त हो जाए, तब तुम दोनों पति और पत्नी यहाँ आके रह सकते हो। जा बेटे, अब प्रस्थान होने के समय आ गए। शरद जी कहा है? हम यही है गुरुदेव। बेटा, बहन को माप दिखाओ। बहन, इधर से आ। वन देवताओं को आवाज देने वाले वृक्षों, जिसने तुम्हें सींचे बिना कभी पानी भी नहीं पिया, श्रृंगार में रुचि होती हुई भी प्रेमवश तुम्हारा पत्ता नहीं तोड़ा, पुष्पों के खिलने पर सबसे पहले उत्सव मनाने वाली शकुंतला आज पतिग्रह जाती है, इसे अनुमति दो, सबके सब अनुमति दो। Oh, my God.
चल रहा है। लगता है देवी हंसवती स्वयं संगीत अभ्यास कर रही है। अच्छा, अब चुप रहिए और सुनने दीजिए। प्राणी अदृश्य